take that shot. Action. ये है ना फाइल ठीक थैंक यू थैंक्स सो मच और विक्रम को भी थैंक्स कह दिया अगर विक्रम नहीं होते ना तो 5 साल पुरानी ये हॉस्पिटल की सॉरी वहाँ से माया थैंक्स सो मच और विक्रम स्कूल एक्शन थैंक्स सो मच माया और विक्रम को भी थैंक्स कह दिया अगर विक्रम नहीं होते ना तो ये हॉस्पिटल की 5 साल पुरानी माया थैंक्स थैंक्स सो मच और विक्रम को भी थैंक्स कहना अगर वो नहीं होते ना तो हॉस्पिटल की 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज कभी नहीं ही पाती अब वेदिका चल थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने अपने पति देव को पहले ही कह दिया था कि अगर वो ये काम नहीं कर पाया ना तो उनको पुलिस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं तुझे पता है ये ना भगवान का आशीर्वाद है जब वो एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है तो देखना 5 साल पहले सिटी हॉस्पिटल ने फैसला किया था कि वो सीसीटीवी फुटेज सेव करेंगे जिसके लिए आज हमें ये फुटेज मिला है शायद हमें पता चल जाएगा कि उस रात में घर में कौन आया था शायद वो इंसान का चेहरा हम पहचान पाएंगे जिसने जिसने मेरा बच्चा चुराया था अच्छा वेदिका तुझे अपनी डिलीवरी का टाइम पता है टाइम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता पर 12 बजे के बाद हुआ था वो पक्का है क्योंकि हुई थी टाइम एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है पर पक्का डिलीवरी 12 बजे के बाद हुई थी 12 बजे के बाद ना कोई आया दरवाजा खुला ये फेस आने वाला है लाइट ऑफ कर दे उसकी कंप्यूटर की लाइट को चेंज कर रहा है कौन है मॉर्निंग हेलो एक्शन देखा डॉक्टर बाहर निकल के गया रूम से ये दरवाजे में मूवमेंट हुआ दरवाजा खुला ऑफ कर ये कहाँ गया क्या हो गया थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है मैंने अपने पतिदेव से पहले ही कह दिया था अगर उनसे ये काम ये बंद क्यों हो रहा है फिदिका थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है मैंने अपने पतिदेव से पहले ही कह दिया था अगर ये काम उनसे नहीं हो पाएगा तो पुलिस में रहने का क्या फायदा है वैसे तुझे पता है ये ना भगवान का आशीर्वाद है जब वो एक दरवाजा खोलता है ना जब वो एक दरवाजा बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है तो सोचना सिटी हॉस्पिटल ने ठीक 5 साल पहले ये डिसाइड किया था कि सीसीटीवी फुटेज वो सेव करेंगे जिसकी वजह से आज हमें ये फुटेज मिली शायद हमें पता चल जाएगा कि उस रात मेरे कमरे में कौन आया था शायद वो इंसान का चेहरा हम पहचान पाएंगे जिसने मेरा बच्चा चुराया शायद हमें पता चल जाएगा कि उस रात मेरे कमरे में कौन आया था शायद उस इंसान का चेहरा हम पहचान पाएंगे जिसने मेरा बच्चा चुराया था वेदिका तुझे अपनी डिलीवरी टाइम पता है हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर डिलीवरी 12 बजे के बाद ही हुई थी उसके बाद इतना पेन चालू हो गया था मुझे टाइम का टाइम देखो उस टाइम डाला अभी खुल रहा है और कुछ टाइप कर रही है वो खुला खुला उठे जाना शुरू हुई लोग कितना चालू हुए ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर रूम वाला ये यही हाँ ये रूम वैसा हाँ हाँ
फुटेज, तुम बैठी हुई हो, बच्चा है, नर्स डॉक्टर चले गए बाहर, खाली हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, सडनली कोई शैडो दिखा दरवाजे पे, ये दरवाजा तो मूवमेंट हुआ, खुला, ऑफ कर से बात हुई मेरी को फौलाबाद में वो वहां से कहीं मंदिर चाहिए से बात हुई मेरी वो इलाहाबाद में वहां से किसी मंदिर में जाने वाली थी पर वो घर पे वापस आ रही है से बात हुई मेरी फौलाबाद में थी वहां से किसी मंदिर में जाने वाली थी पर वो काम पे वापस आ रही सामने आएगा और मैं यही मानती हूँ।
ओके ओके हाथ रख लो
जानती थी कि वेद हम का बेटा है और मुझे धक्का भी बहुत लगा कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर कैसे चली गई और उसे मैंने तय कर लिया कि इस मासूम से बच्चे को मैं अपनों से जुदा होने का एहसास कभी नहीं होने दूंगी। उसे कभी नहीं पता चलने दूंगी कि उसे पैदा करने वाली माँ ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसे हर दर्द से बचाऊंगी, उसे माँ का प्यार दूंगी, सिर्फ उसी के लिए जीऊंगी। और 5 साल से यही करती आई हूँ, अपनी हर सांस हर धड़कन सिर्फ वेद के लिए जीती आई हूँ। और अब आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप मुझसे सब कुछ छीन लेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी थी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, पर साहिल और वेद को अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी, क्योंकि वो दोनों मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। और ये वो सच है जो पूरी दुनिया मानती है। नहीं, मैं आपसे बस इतना ही कहना नहीं थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे से दूर रहिएगा। मैंने भी एक फैसला ले लिया है भूमि, अब और नहीं, अब मैं और आंसू नहीं बहाऊंगी। बहुत बहुत रो लिया मैंने अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, हालातों के लिए बहुत रो लिया। अब नहीं, अब मैं हालात से लड़ूंगी, अब मैं हालातों को बदल दूंगी। मैं सॉरी, रोल रोलिंग सर। रोल, एक्शन।
अभी सर लॉक करके चार्ज कर चार्ज मूव अप दरवाजे से ना उसे पूछ निकल जाना जिंदगी का सबसे अहम फैसला साहिल की पत्नी और वेद की मां बनने का फैसला वो हालात आपके बनाए हुए थे मैं जानती थी कि वेद आपका बेटा है और मुझे बहुत धक्का भी लगा कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़कर चली गई उस दिन मैंने मासूम से बच्चे को मैं अपनों से जुदा होने का एहसास कभी नहीं होने दूंगी उसे कभी पता नहीं लगने दूंगी कि उसे पैदा करने वाली मां ने उसे छोड़ दिया उसे हर तरह से बचाऊंगी एक मां का प्यार दूंगी बस उसी के लिए जीऊंगी और 5 साल से बस यही करती आई हूँ अपनी हर सांस हर धड़कन बस पेट के लिए जीती आई हूँ कि आप मुझसे मिला सब कुछ छीन लेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी पर साहिल और वेद को अपने से जुदा कभी नहीं होने दूंगी क्योंकि वो दोनों मेरी जिंदगी है मेरा परिवार है मेरा सब कुछ है और ये वो सच है जो पूरी दुनिया होती है मैं बस आपसे इतना कहना आई हूँ मेरे पति और मेरे बच्चे से दूर रहिएगा बस अभी ओके फाइनली पता चल गया वेद बाबू की वेद माता ही बेटा और बात की जाए भूमि की तो भूमि भी मान नहीं रही वेद को वापस करने में क्या कहना चाहिए इस बात पर वेदिका ऑफ कोर्स समझती है इस बात को कि जिसने 5 साल अपने बच्चे को अपने पास रखा हो तो वो
और माँ की तरह ट्रीट किया हो, माँ की तरह रखा हो, माँ की तरह संभाला हो, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी. और उसने ऊपर से इतना बलिदान किया है कि वो जानती थी कि वो साहिल वेदिका से प्यार करता था, फिर भी उसने साहिल से शादी की. और तो भूमि एज अ कैरेक्टर तो बहुत जस्टिफाइड है कि उसको नहीं करना कुछ, क्योंकि वो दोनों तो उसकी ज़िंदगी बन गए. बट हाँ, वेदिका का भी यही है ना कि वेदिका का बच्चा है जिसके लिए वो इतना तड़पी है इतने सालों तक, और वो उस अभी जब पता चला है कि वो किसी और के बच्चे को अपना समझती थी, तो हाँ वो किसी और के बच्चे को प्यार मिला ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन खुद का बच्चा इस प्यार से वंचित रह गया, तो वो एक अलग सी फीलिंग है. तो पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो एक माँ और एक माँ की लड़ाई है. फिर शादी के साथ क्या होगा, क्योंकि वो आप उसके मॉम डैड का तो किसी को कुछ पता नहीं है. किसका? हाँ, शादी का पता तो चल गया. ओके, फाइनली पूछना चाहेंगे, आपने आखिर में कहा था कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी कोई. हाँ, वो ये वो तो अब बहुत हो चुका है, यू नो, कि साहिल भी गया और अंजना जी भी गई, अब बड़ी अम्मा ने सब बता दिया कि सब कुछ बड़ी अम्मा ने किया था, तो कहीं तो पानी सर के ऊपर जाएगा. तो अभी वो डिसाइड कर रही है कि क्या करना है, कुछ ऐसा जैसे उसने कहा कि जिसकी किसी को उम्मीद ना हो वेदिका से, वो ऐसा कुछ करेगी तो रिवोल्ट करेगी, कैसे करेगी वो तो अभी आपको देखना पड़ेगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट.